उत्तराखंड में इन दिनों चुनावी शोर है। यहाँ की समस्याओं पर कोई भी राजनीतिक दल खुलकर नहीं बोल रहा है, जबकि आज पूरे प्रदेश में छटनी, वेतन कटौती, वेतन समझौते को लागू नहीं करना और तालाबंदी जैसे प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर और रुद्रपुर में कई कंपनियों के कर्मचारी कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। मजदूरों ने न्यूज़क्लिक से बातचीत में कहा कि इस सरकार के दौर में मजदूरों का दमन शोषण तेजी से बढ़ा है। ऐसे में रुद्रपुर में स्थित इंटररॉक कंपनी में पिछले 171 दिनों में 32 मजदूरों को काम से बाहर किया गया, जिसे मजदूर गैर कानूनी छटनी बताते हुए उसके खिलाफ कंपनी गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। सन 2018 से हमारा जो आंदोलन शुरू हुआ है, जब से एक भी हमारी वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब हम क्या करें इस महंगाई को लेके? महंगाई में अब देख रहे हो, बदहाली में हम लोग पड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके हमने आंदोलन भी किया और यहाँ की जो है सरकार सुनने को हमारी बिल्कुल भी भूमिका नहीं निभा रही है। हम लोग परेशान हैं, आए दिन धरने पर रहते हैं और यहाँ का मैनेजमेंट हमारी बातों को बिल्कुल जो है इग्नोर कर रहा है। अब हम अपनी लड़ाई को हम इतने स्तर तक आगे पहुँचाना चाहते हैं कि अब या आर पार की होगी या रहेंगे या फिर हम लोग का समझौता पूर्ण रूप से होगा। प्रोडक्शन हम नंबर वन दे रहे हैं, क्वालिटी में भी हमारे लोग नंबर वन क्वालिटी है हमारी कंपनी की। हमारे जो लोग हैं, जो काफ़ी पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वेल्डर हैं, चाहे फीटर हैं, चाहे ग्राइंडरमैन हैं, वो अनुभवी हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और ये हमारी इंटराज का नाम जो है इन वर्कर्स की वजह से पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, क्योंकि एक अच्छा अनुभव है इनको कि जो दूसरी कंपनियों के पास प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के पास भी है, लेकिन हमारे कहीं क्वालिटी, इंटराज की क्वालिटी। और क्वालिटी देने वाले कौन हैं? हमारे वर्कर्स, हमारी वर्कफोर्स, और वर्कफोर्स के ऊपर ही इस टाइम ये उत्पीड़न कर रहे हैं। और ये 2018 से उत्पीड़न लगातार जारी है और इसमें बीच में लगातार कई दौर वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में प्रलोभन दे करके शांत हो जाते हैं। और अब फिर हमने तय ये किया है अब कि अब हम आर पार ही करेंगे, अब बहुत हो गया, क्योंकि हमने बहुत सह लिया। अब चाहे यहाँ से प्रशासन कुछ भी करे, जो भूमिका वो निभाना चाहेगा हमारे ऊपर, जो जहाँ में डालना चाहेगा, कौन सी जेल में डालना चाहेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। पहले तो 195 आदमी को कोरोना काल में बाहर किए थे, हाई कोर्ट गए, स्टे लेके आए, तब फिर अंदर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अब ये बताइए कि इन लोग का रवैया इतना ख़राब है कि कोरोना काल में सरकार भी कहती है कि अपना घर से मत रहो, घर में रहो, ये कोरोना काल में बाहर किए। एडीएम का लगे भी वार्ता हुआ था कि पूर्ण भांति की तरह बस चलाया जाएगा, वो भी नहीं चलाया गया है। कहते हैं कि वर्कर से 50% आ फैक्ट्री 50% देगी, जब एडीएम के बात नहीं माना जा रहा है तो ये बताइए वर्कर पर कितना जुल्म किया जा रहा होगा। ये आने वाला समय में आने वाला सरकार को बहुत तरह से भुगतना पड़ेगा। जो सरकार सोच रही है वो हम होने नहीं देंगे कि इसको वोट दो उसको वोट दो, जहां हम लोग के जो एथी करेगा उसी को हम वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी कह तो रही है कि हम आप जैसे ही इलेक्शन हम जीते हैं, हम अगर सरकार में आते हैं, हम पावर में आएंगे तो पूरी आपकी हेल्प करेंगे और हम सिडकुल को प्राथमिकता में ले रहे हैं। ये बातें तो आ रही हैं, लेकिन अब ये कितनी आगे साबित होती हैं, कितने तक आगे बढ़ती हैं, कहां तक ये हमारी समस्याएं हल कर पाते हैं, इसके लिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हर पार्टी जब ऑपोजिशन में होती है तो उसके अलग एंगल होता है बात करने का, जब वो ऑपोजिशन में पूरी तरह से सरकार में आ जाती, पावर में आ जाती, तो उसका जो है रवैया बदल जाता है। तो अगर सरकारों का इसी तरह से रवैया बदलेगा तो देश में क्रांति 100% आएगी। तो मजदूर जाग रहा है धीरे धीरे, मजदूर एकजुट हो रहा है, मजदूर समझ रहा है कि कोई भी हमारी करने के लिए सहायता तैयार नहीं है। मजदूर को, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था, मजदूर वर्ग की जो मुक्ति है ये मजदूर वर्ग का कार्य है और वो ही हम करेंगे। मजदूर संगठित होंगे, संगठित होकर के आंदोलन करेंगे, और इतना बड़ा आंदोलन जिस तरह से किसान आंदोलन था, और जब किसान आंदोलन की रूपरेखा के उससे होगा, बड़ा आंदोलन होगा, तो फिर ये सरकारें समझेगी कि अब हमें कुछ ना कुछ मजदूर हित में भी करना पड़ेगा। इसलिए अभी तक तो उन्होंने मजदूर हित में कुछ किया नहीं है।
हम तो यही चाहते हैं जो भी सरकार हो, जो हमारी बात को मानेगी, हम उसके साथ में हैं। हमारे यहाँ लगभग 5000 वोटर हैं। हम लोग यहाँ पर महिला बच्चों के साथ 5000 लगभग हमारे वोट हैं। हम उसी को ही सपोर्ट करेंगे जो हमारी मांगों को पूरा करेगी सरकार। इंटररॉक कंपनी के उधम सिंह नगर जिले में दो प्लांट पंतनगर और किच्छा में हैं, जहां 2018 से 32 मजदूर गैर कानूनी गेट बंदी के शिकार हैं। तब से मजदूरों का वेतन भी नहीं बढ़ा है। 27 दिसंबर 2018 को माइक्रोमैक्स प्रोडक्ट्स बनाने वाले भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 303 श्रमिकों की गैर कानूनी छटनी कर दी थी, जबकि 47 अन्य कर्मचारियों को ले ऑफ दे दिया गया था। एक लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों ने औद्योगिक न्यायाधिकरण से लेकर उच्च न्यायालय तक जीत हासिल करी, जहां छटनी गैर कानूनी घोषित हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी मामला उलझा हुआ है। मैनेजमेंट ने रुद्रपुर प्लांट उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया, जबकि भिवानी और हैदराबाद प्लांट में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जा रहा है। हमने एक डिमांड लेटर लगाया था कंपनी में कि हमारी सैलरी कम है, उसके चलते ही हमारा एक समझौता हुआ था 1450 रुपये का। उसके बाद 2018 में इन्होंने एक छटनी कर दी थी 303 लोगों की। 24 तारीख को हमें छुट्टी दी थी, 25 और 26 की जब हम 27 को कंपनी आए तो यहाँ पे एक नोटिस लगा था 303 लोगों का। उसकी हमें कोई पूर्व सूचना नहीं थी कि तुम्हारी छटनी कर दी गई है, ऐसे हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। उसके बाद हमारा जो केस हल्द्वानी ट्रिब्यूनल में चला था, वहाँ से हमें 2020 को हम जीते थे, सारे हित लाभ के साथ हमारी कार्यवाही का हमें ऑर्डर मिला था वहाँ से। उसको रुद्रपुर जो यहाँ पे ALC है उसको लागू करने के लिए बोला था, लेकिन उसने अभी तक हमारी कोई लागू नहीं किया और ना शासन ना प्रशासन हमारा कोई कुछ सुनता ही नहीं है हमारी। और जो हमारे यहाँ के प्लांट में उत्तराखंड के नहीं, उत्तराखंड से और राज्य के भी लोग काम करते थे, जो उनके वहाँ के भी विधायक MLA जो थे, उन्होंने उनको रिटर्न में भी दिया था, लिखित में एक वो दिया था कि हमारे साथ ये हो रहा है, और उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हुआ। हमारे बारे में सरकार ने कभी कुछ नहीं सोचा और हमारा यहाँ 3 साल से बिल्कुल धरनारत थे हम। अभी कोविड का जब सेकंड वेव आई थी तो संयुक्त मोर्चे के साथ एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने बोला अभी कोविड चल रहा है तो इसको थोड़ा टाइम के लिए स्थगित कर दो, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो इसीलिए ये बीच में हमने अभी बंद करा था, लेकिन दिन में हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास सर, क्योंकि एक तो हमारी सबसे बड़ी टेंशन तो यह है कि कंपनी का क्या होगा, अगर कि रोजी रोटी जो भी थी वो छीन ली इसने, लॉकडाउन में सारे लोग बेरोजगार हैं सर, अभी कहाँ बेरोजगार मिलेगी, ऐसे ही कर रहे हैं सर। ये कंपनी तो पूरी तरह से बंद कब करी थी, क्योंकि पहले तो प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ होगा, और इसकी बाकी और यूनिट्स हैं वहाँ प्रोडक्शन चल रहा है, तो यहाँ बंद क्यों, इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को बताया गया? बंद का सर इन्होंने, ये मदर प्लांट है सर माइक्रोमैक्स का, यहाँ से इस एक टाइम पे 5000 वर्कर काम करते थे सर, इनको इतना प्रॉफिट हुआ यहाँ से कि इस प्लांट से इन्होंने इसके अलावा 2 प्लांट और लगा लिए राजस्थान में और तेलंगाना हैदराबाद में। तो इसका मेन रीज़न ये था कि सर यहाँ जो गवर्नमेंट की सब्सिडी लेके यहाँ से इस प्लांट को बंद करके यहाँ से हमें वहाँ ट्रांसफ़र कर देना। वो करता है काम करता है, कोई किसी को कहीं कॉन्टैक्ट पे कहीं कोई चले जाता है, किसी को कहीं कुछ मिलता है तो काम, बाकी वैसे यहाँ पे शेड्यूल में कोई काम देने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हम उत्तराखंड में रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ आए दिन कंपनियाँ बंद हो रही हैं। देखिए ऐसा है कि NDतिवाड़ी की जो सरकार थी उसने हमारे प्रांत के 3 जनपदों में सिडकुल क्षेत्र बनाया औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए। वो सिडकुल क्षेत्र इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, उसके लिए एक शासनादेश भी था कि 70% यहाँ के बेरोजगारों को इसमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन उनके लिए बहुत सारी सब्सिडियाँ दी गई थी, ज़मीन में, बिजली में, पानी में, तमाम सरकार ने उनको सब्सिडी दिया। पहले तो उस प्रकार के उद्योग लगे ही नहीं, ये तो पैकेजिंग करने के उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ जितना भी रोज़गार बचा हुआ है अभी इनका सब्सिडी का समय पूरा हो गया है। इन्होंने जो है ना तो 70% स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया, अब धीरे धीरे जो लाभ इनने सरकार से लिए थे वो लाभ इनने प्राप्त कर दिए, अब ये धीरे धीरे इसको बंद कर रहे हैं और उससे छटनियाँ कर रहे हैं लगातार। अभी रुद्रपुर में हमारे पास से कहता है कि एक कंपनी ने जो है 250-300 लोगों को बाहर कर दिया, उससे आज से 2-3 महीने पहले 450 एक कंपनी ने बाहर कर दिया। तमाम कंपनियां लोगों की धीरे धीरे अपने उद्योग को बंद करके यहां से जा रही है,
एक बात हमारा ये कहना है कि जो भी उद्योग लगे हुए ये सारे ठेका पड़ते हैं भाई, यहाँ पर कोई श्रम कानून लागू नहीं हो रहा है, कोई यूनियन हम यहाँ पर बना नहीं सकते, जिसको यूनियन बनाते उसको बाहर निकाल देते। तो हमारा मुद्दा जो है केवल लेफ्ट पार्टियों ने इसको बनाया है, सिटकुल क्षेत्र में जो ठेका पड़ता है उसको ख़त्म करना चाहिए, लोगों को 70% रोज़गार मिलना चाहिए और जिनको लाभ मिल करके जो कंपनियां हैं वो कंपनियों को जाने के लिए रोकने के लिए लेफ्ट पार्टी ने इसका प्रचार करी, जो हमारा लेफ्ट पार्टी का घोषणा पत्र है उसमें भी हमने इस बात को रखा है। लेकिन जो बाकी दल है उनको कोई लेने देने नहीं, वो मालिक के साथ है, वो मालिकों के साथ है, ये हमारा कहने इस बात। ऐसे ही एक मजदूर धीरज सिंह खाती हैं जो अभी वर्तमान में रुद्रपुर में श्रम उपायुक्त में चाय बेच रहे हैं। पहले मैं माइक्रोमैक्स में काम करता था, वहाँ मुझे 5 साल हुए काम करते हुए। तो जैसे ही हमारी ग्रेजुएटी की पूरी हुई तो उन्होंने एकदम से बाहर कर दिया हमें, बिना बताए, नोटिस भी नहीं दिया और बाहर कर दिया। 303 जो स्थायी कर्मचारी थे उन्हें बाहर कर दिया एक। तो उसके बाद हमारे जो है जीवन व्यापन के लिए, सारे फैमिली वाले थे ज़्यादातर, उनके जो है जीवन में जो है रोज़गार की बहुत दिक्कत आ गई। तो उसके बाद हमने जो है बहुत संघर्ष किया और कोर्ट में जीतने के बाद भी अभी तक हमारी कार्यवाही नहीं हो पाई है, जो फिर अपना जो है जीवन यापन करने के लिए हम छोटा मोटा जो है रोज़गार कर रहे हैं यहाँ पर, जो तो ठेला लगाया हमने यहाँ पे। हम वहाँ पर उसमें लाइन में असेंबली करते हैं, मोबाइल असेंबली। हाँ, मेरी क्वालिफिकेशन इंटर है और फिर ITI भी किया था मैंने इसके बाद इंटर के बाद। ऐसे कई मजदूर हैं जो काम के लिए भटक रहे हैं। ऐसे ही एक मजदूर सूरज सिंह हैं जिनकी उम्र अभी 30 साल है, उन्हें भी कंपनी ने निकाल दिया है। वो पहाड़ से आकर रुद्रपुर में काम की तलाश में अपना रिज्यूमे लेकर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में धक्के खा रहे हैं। कोरोना से पहले भी यहाँ सिटकुल में कामगारों की स्थिति वैसे ही बहुत डाउन थी, कोरोना ने तो बिल्कुल रोजगार भी छीन दिया। अगर कहीं पे सर रोज़गार भी है तो उसमें सैलरी इतनी कम है, मतलब उसमें सर्वाइव करना बहुत टप पड़ जाता है नॉर्मल। हाँ हाँ, काम के लिए। हाँ, ये सिटकुल में रोज़गार के नाम पे जीरो हो गया सर। अब जो चलो 20-22 साल के अगर लोग हैं तो शायद 20-22 साल के लोगों को तो रोज़गार मिल जाएगा, मैं हो गया हूँ 30 साल का, 30 साल के लोगों के लिए अब रोज़गार ढूंढना यहाँ बहुत ही मतलब मुश्किल है। मैं टेक्निकल हूँ, जबकि मैं तो टेक्निकल कम पैसा देना पड़ता है। हाँ, फ्रेशर भी होते हैं, थोड़ा हमें नौकरी की है, 30 साल की एज भी हो गया थोड़ा, 30 साल के आसपास, तो हम लोगों को नौकरी मिल नहीं पा रही है। सरकार तो बार बार बड़े बड़े कह रही थी हमको खूब नौकरी दी है उत्तराखंड में। आज से 4 साल पहले फिर भी यहाँ पे रोज़गार था सर, 4 साल पहले तक था, 2 साल पहले तक भी था, कोरोना के बाद तो बिल्कुल जीरो हो गया है, यहाँ की हालत बहुत डाउन हो गई रोज़गार के मामले में।